नमस्कार दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में काफी लोगों के कमेंट्स और क्वेरी आ रहे हैं और काफी लोग चाहते हैं, फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमारे हैं और कलीग्स भी हैं जो आरआरबी एनटीपीसी है, जो जैसे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप जीएस के डिस्कस करेंगे। हमारा देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने एग्जामिनेशन होते हैं उसके जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो हम करवाते हैं, फ्रेंड करंट अफेयर्स करवाते हैं। तो देखिए इसमें मेमोरी वाइज क्वेश्चन जो है आपके जीएस के, आपके जीके और जीएस जो करंट अफेयर्स के, वो 4 जनवरी को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था रेलवे का 2021 फर्स्ट ईयर, कल हम सेकंड से डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देखिए हमारा मैथ और रीजनिंग तो नहीं है, लेकिन हम जो जीएस के पोर्शन है काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छे तरीके से कवर करते हैं। मैं आपको पूरा मेमोरी के साथ ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सपोज कि आपको क्वेश्चंस अगर कोई भी आया, करंट के आए हुए हैं या फिर आपके स्टैटिक पोर्शन आए हुए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस टाइप की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का फ्रेंड्स हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफी बिजी आते हैं जीएस के और वन लाइनर आते हैं, ये मेमोरी बेस्ड है, मतलब जो कोई पेपर मिलता नहीं है, जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनके बेसिस पे हम लोग जो है देते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अटल टनल लेंथ ये क्वेश्चन है वो करंट का। देखिए ये क्वेश्चन क्योंकि रोहतांग जो मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो रोहतांग टनल था जम्मू कश्मीर में, तो वहां से एक्चुअल में ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अटल टनल का नाम दे दिया था, काफी न्यूज में था, आप देखेंगे काफी न्यूज में रहता है। लेंथ मतलब 9.02 किलोमीटर, मतलब 9.02 किलोमीटर था। जी और फ्रेंड्स देखिए जब भी आप देते हैं एग्जाम्स, स्पेशली जैसे स्टेट पुलिस का या फिर आरआरबी रेलवे इस टाइप के एग्जाम, तो देखिए वन लाइन क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। और अगर आप किसी पेपर को, अगर आपका हिंदी है तो आप दैनिक जागरण को फॉलो करें, दैनिक जागरण को फॉलो करें। अगर इंग्लिश है, अगर आपका इंग्लिश है मीडियम, तो आप हिंदू को फॉलो करें, द हिंदू। अगर इसको आप कंटिन्यूसली थ्रू आउट ईयर करते हैं तो आपके करंट के भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप देखते जाइएगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं करंट के। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, काफी न्यूज में रहा, आप देखते होंगे। ये ह्यूमन का देखिए प्लस जो पीएच होता है ब्लड का 7.4%, आपको सबको पता है ह्यूमन साइंस के क्वेश्चन से इजी। पोखरण टेस्ट शक्ति ये काफी न्यूज में रहता है और इम्पोर्टेंट भी है। पोखरण 1998 में हुआ था, पोखरण ऑपरेशन शक्ति था। ऐसे देखिए अभी ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मदद रेलवे के द्वारा चलाए गए थे, स्टेप होते हैं और हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप मैगजीन्स आती हैं। और मेरे करंट अफेयर्स के चैनल पे इस टाइप जो है प्ले लिस्ट करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा है, तो आप लोग काफी यूजफुल होगा फ्रेंड्स। आगे देखिए लास्ट गोल्ड बाई इंडियन हॉकी टीम। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, मेमोरी वर्स्ट स्टूडेंट का, मैं ये कह रहा है कि जो इंडिया जो है ओलंपिक में लास्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक में ध्यानचंद टाइम पे थे कैप्टन, ये 1980। एडीबी देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि 200-300-400 लोन्स जो है देता है महाराष्ट्र को या स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है वेलफेयर के लिए, मोर देन 80 कंट्रीज इसमें देखिए। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स जो आए हुए हैं कई बार रिपीट करता है, लॉफिंग गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1100 वर्ल्ड में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेकेंड के बाद अब जब भी नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स 5-6 जब भी एग्जाम्स होगा इसके, जब सेकेंड स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है इंडिया में कितने, इंडिया में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कल की वीडियो में इसका आंसर देंगे। इंडिया में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप लोग बताइएगा, इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, देखिए इसको आगा खान ने किया था ढाका में, क्वेश्चन आगा खान ने 1906 में किया था हिस्ट्री से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी आगा खान, तमिल्ला खान आगा खान दोनों लोगों ने किया था ढाका से। आरबीआई एक्ट देखिए 1935, बाद में की 1935 हुआ था, जो कि 1949 में बाद में इसको एसबीआई के रूप में चेंज किया गया था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना बेलगांव में की गई थी। सॉरी आगे क्वेश्चन है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मुझे याद आ गया फ्रेंड, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का सेशन बेलगांव, ऐसा पहला सेशन, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, को न्यूज में रहा, ऐसा पहला सेशन है जिसमें महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी ने इसको प्रेसाइड किया, क्योंकि गांधी इसको चेयर किए थे, गांधी जी इसको प्रेसिडेंट थे, पहला ऐसा था, सिर्फ ओनली वन, तो बेलगांव था। 1925 कानपुर में हुआ था, जो कि पहली जो इंडियन वुमेन थी, इंडियन वुमेन मतलब पहली भारतीय महिला नायडू थी, नायडू जी थी। टाइप के क्वेश्चन है और इस प्लेलिस्ट काफी पड़ी हुई है, और हम एनटीपीसी के लिए ऑलरेडी लाने वाले इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चंस, टू द पॉइंट लाएंगे, और वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछेंगे। यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड सॉरी यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स पेरिस में है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जितने होते क्वेश्चन पूछता है, इजी है काफी। रिवोल्ट देखिए 1857 का रिवोल्ट मेरठ में हुआ था, स्टार्ट बैरकपुर। अब देखिए डे से क्वेश्चन आता है, हमारी प्ले लिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए न्यूज में हमेशा रहता है, 11 मई दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे, सरदार सरोवर डैम, डैम देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, गांधी सागर डैम, मध्य प्रदेश, चंबल रिवर, तिलैया डैम, रिहंड डैम, काफी इस तरीके से क्वेश्चन करें। लॉन्गेस्ट देखिए रोड, लॉन्गेस्ट रोड टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, आरटीआई एक्ट, जैसे इस टाइप के एक्ट्स होते 2005 में पास हुए थे, फॉरेस्ट एक्ट और एनवायरमेंट एक्ट 1970 आता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप न्यूज में रहता, बस आप पेपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। यू एरल का फुल फॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गोदावरी देखिए, गोदावरी नासिक से ओरिजिन उठती, ट्रेवेंकम प्लेटू है, प्लेटू नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिन उठती फ्रेंड्स। गंगा गंगोत्री से होती है, इसमें हम प्लेलिस्ट लाने वाले हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी से पढ़ाएंगे, तो इसमें आप वन लाइनर में दो तीन से चार प्लेलिस्ट में पूरा रिसोर्स और कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है सब तो कुछ डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखिए 9 मई, 9 मई 2015, 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई टैक्स स्कीम थी। तोहफा देखिए अशोका से रिलेटेड है, अशोका ने बनवाया था फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन है टोटल आपके जो 4 जनवरी, 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिप में आया था, ये टोटल क्वेश्चंस है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी आगे हम फ्रेंड्स लाने वाले हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड शिफ्ट लाएंगे, सेकेंड शिफ्ट और रिमेनिंग जो 28, 29 और 30 एनटीपीसी और आरबी के क्वेश्चंस थे, वेरी बेस्ट वो लाएंगे हमारे चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों को जितना जीएस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स जीएस, वो आपको टोटल मिलेगा। देखिए हमने इसमें आप लोगों को जितना था, और इसमें अगर जितना और ऐड होता है, सपोज दैट और कुछ फ्रेंड्स ऐड करते हैं, इसमें आप लोगों को और ऐड करता जाऊंगा, जैसे सेकेंड शिफ्ट में इसको ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स। ये काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, टाइप की वीडियो को आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।